दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बताने वाला हूँ गाइस इस वेडिंग स्टेज के बारे में कि इस वेडिंग स्टेज को बनाने में कितना टाइम लगा है, क्या इसकी हाइट है, क्या इसका ब्रेथ है, कितने पिलर लगे हुए हैं और कितनी रजनीगंधा लगाया गया है और पार्टी से मैंने इसे कितने में लिया है, क्या कॉस्ट आया है। टोटल मैं इस डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, इस स्टेज को बनाने के लिए ट्रस्ट का प्रयोग किया गया है जिसकी हाइट है 8x12 फीट, यानी टोटल हाइट हो गई है इसका 8 फीट। और जो ये लंबा वाला बीम देख रहे हैं उसकी हाइट है गाइस 12 फीट। तो इस तरह ये 8x12 का ये है ट्रस्ट है। इसमें देख सकते हैं गाइस हमारे जो आर्टिस्ट है वो कपड़ा लपेट कर रेडी कर रहे हैं। कपड़ा लपेटने के बाद गाइस इसमें गुलाबी कपड़ा का यूज़ किया जा रहा है। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं जिसे हम साटन कपड़ा बोलते हैं, आप चाहे तो लैकरा भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जो कि आगे का प्रोग्राम होता है उसे ही रेडी किया जा रहा है, जिसमें ओसिस लगाया जा रहा है यानी प्लास्टिक थर्माकोल लगाया जा रहा है। तो ये देखिए गाइस ये पूरा कपड़ा मार करके और जो है थर्माकोल मार करके रेडी किया जा रहा है। अब इसमें हमारे जो आर्टिस्ट हैं मोमबत्ती पत्ता के द्वारा और कार्नेशन फ्लावर के द्वारा गार्डन मारेंगे। गाइस इसमें मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि इसमें कितना फ्लावर लगा है या कितना ये लगा हुआ है या कितना पत्ते लगे हुए हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आपको स्टेज के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। तो इसमें गाइस आप कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन फ्लावर यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेज के अकॉर्डिंग हमने काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन का फ्लावर यूज किया है। तो ये देखिए गाइस ये पूरा गार्डन मार्कर रेडी है। अब इसके बाद दोनों साइड में दो गुलदस्ते यानी 3 फीट का एक और थर्माकोल लगाया जा रहा है। देखिए लगाने के बाद इसमें गार्डन पत्ते का गार्डन मारा जा रहा है, आप चाहे तो इसमें फ्लावर का भी गार्डन मार सकते हैं। इसके बाद गाइस ये देखिए ये पूरा गार्डन मार करके रेडी हो चुका है। अब जो इसमें काम करना है गाइस वो रिंग का है, क्योंकि ये रिंग स्टेज है। तो ये देखिए गाइस बीट में को बांधा जा रहा है, इसी में जो रिंग लपेटेगा। तो ये देखिए गाइस ये रिंग है और इसकी हाइट की बात की जाए तो ये साइकिल का रिंग के द्वारा बनाया गया है। और इसमें देखिए गार्डन मारा जा चुका है और रजनीगंधा को लटकाया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है गाइस कि रजनीगंधा अपने अमाउंट में आप मार सकते हैं और इसमें गाइस 70 रजनीगंधा लटकाए हुए हैं इस तरह से। और देखिए हमारे आर्टिस्ट पानी मार रहे ताकि ये रजनीगंधा ताज़ा रहे। तो ये देखिए जैसा मैंने बताया था कि ये बीट लगाया जा चुका है और इसी बीट के द्वारा हम जो है रिंग को हैंगिंग करेंगे। ये देखिए हमारे साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बीट बांधा गया हो वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो रिंग का भार होता है इसी बीट में होता है। मैं तो कहूँगा कि इस बीट के जगह आप यदि स्क्वायर पाइप का यूज करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। इस जो है पीछे गाइस आप वाइट कलर का पर्दा मारा हुआ देख रहे होंगे जो पहले से मारा हुआ है। तो ये देखिए गाइस जो रिंग को हैंगिंग कर किया जा चुका है। अब देखिए गाइस ये रजनीगंधा को हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो लंबा कर रहे हैं। इस तरह कुल रजनीगंधा की बात की जाए तो लगभग 200 से 220 रजनीगंधा इस 12 फीट के स्टेज को सजाने में लगा है, क्योंकि जो रजनीगंधा की लंबाई थी वो 3 फीट थी। तो इस तरह से इस पूरे रजनीगंधा को बांधने के लिए लगभग हाइट 9 से 10 फीट चाहिए। इस तरह एक रजनीगंधा में दो और रजनीगंधा को जोड़ा गया था। इसके साथ ही गाइस दोनों साइड में खाली एरिया में दिल लगाया जाएगा जो कि रॉड का बना हुआ है। तो ये देखिएगा ये जो दिल है ये रॉड का बना हुआ है। इसकी हाइट की बात की जाए तो ये 2.5 फीट का दिल है और इसको 3 तार के सहारा से हैंगिंग किया जा रहा है, इन्हें लटकाया जा रहा है। तो ये देखिए लगभग आधा काम रेडी हो चुका है गाइस। अब जो बात होती है वो रजनीगंधा को की है। तो देखिए छोटे छोटे काठियों से इसे ठोका गया है। अब इसमें रजनीगंधा को बांधा जा रहा है। कई लोग जो होते हैं गाइस उनका अपना स्टैंड होता है, लेकिन ये चौकी लगा हुआ है जिसमें हम लोग काठी मार करके इस पूरे रजनीगंधा को बांध रहे हैं। इसके बाद रजनीगंधा बांधने के बाद गाइस इसके साथ ही पार लाइट भी हमारे जो लाइट वाले हैं वो लगा रहे हैं। तो देखिए गाइस ये थोड़ा सा खिसकाया जा रहा है ताकि जो रजनीगंधा है वो अच्छा से लगे। और ये इसके बाद देखिए गाइस ये रजनीगंधा मार करके रेडी हो चुका है। इसके बाद गाइस जो पिलर हैं वो पिलर को सेट किया जा रहा है, देख सकते हैं आप हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो पिलर को सेट कर रहे हैं।
तो ये देखिए गाइस कितना बेहतर तरीका से ये रेडी हो चुका है। यदि टाइमिंग की बात की जाए तो हमारे चार आर्टिस्ट के द्वारा इस पूरे स्टेज को सजाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग चुके हैं, और तो यदि कॉस्ट की बात की जाए तो लगभग इससे इसमें लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये लग गए हैं। ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा कि ये जो 4 हज़ार रुपये बचे हैं वो सिर्फ अचानक से ही बचे हैं। इससे पहले गाइस हमने ये पूरे सेटअप को रेडी करने के लिए हमारा लगभग 25 से 50 हज़ार रुपये का यहाँ पर पूंजी लगा हुआ है। तो ये आप नहीं सोचिएगा कि जो है 4 हज़ार रुपये हमारे बच चुके हैं। यदि आप ये रेंट पे लाते हैं इस पूरे सामान को, तो मोटा मोटी खर्चा गाइस आपको 6 हज़ार रुपये लग जाएंगे। इस तरह यदि आप खुद पे करते हैं तो लगभग आपको 50 से 40% का बेनिफिट होगा, अन्यथा यदि आप रेंट पर लाते हैं ये सब प्रोडक्ट हो तो लगभग आपको 20 से 25% ही मुनाफा होगा। कुछ और बातें हैं जो गाइस इस स्टेज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि जो रजनीगंधा लगाया गया है वो ताज़ा रजनीगंधा लगाया गया है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि रजनीगंधा जो है वो दाग वाला नहीं है। साथ ही गाइस जो आप फ्लावर यूज करें वो गंदा नहीं होना चाहिए, ताकि जो खूबसूरती है वो झलके। कई बार ऐसा होता है कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी लोग अप्रिसिएट नहीं करते, कारण होता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो गलतियाँ, छोटी गलतियाँ होती है वो बाहर नज़र आती है। तो इस तरह से आप यदि फ्लावर का वर्क करते हैं तो क्वालिटी और टाइम का बेहतर मैनेजमेंट रखिएगा गाइस, ताकि जो आपकी जो पार्टी है वो अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए। और यदि पार्टी सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आपको दोबारा इन फ्यूचर आपको काम मिलेगा। तो आई होप गाइस मेरे इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दिल को छुआ होगा तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।